ब्रज पार्टी द्वारा वृंदावन में ब्रज सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ तमाम लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हमारी पार्टी का धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अखंड भारत की पुनर्स्थापना, भारत को विश्वगुरु बनाना, जनहित एवं राष्ट्रहित में नए वैज्ञानिक और आधुनिक रूप से कुछ संतकारी कार्य करना, देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ क्रांतिकारी व्यवस्था परिवर्तन को स्थायी रूप से बहाल करना, भारतीय हमारी शक्ति जाति है। ये गालियाँ कब तक हम सहन करेंगे कि तू पिछड़ा है, तू दलित है, तू तो ऐसा है? नहीं, हम सभी भारतीय हैं, भारत में अपनी बात है। हम इसलिए हमने जाति तोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा, हमारा उत्तर प्रदेश के एक दर्जन जिले, राजस्थान के 2 जिले और हरियाणा के 2 जिले, ये 16 जिले मिलाकर के अलग राज्य ब्रजस्थान प्रदेश के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारी ब्रज पार्टी संवैधानिक शब्द और शांतिपूर्वक तरीके से अपना जमीनी स्तर पर आंदोलन प्रारंभ कर चुकी है और आज यहाँ उसी आंदोलन की घोषणा होने का शुभ दिन है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय पर, और ये जो है जैसे कि विधवा महिलाएँ, वृद्धा महिलाएँ बहुत परेशान है, किसी को कोई जो भी सरकार ने गरीबी योजना निकाल रखी है ना, कोई भी किसी भी गरीब को मिल नहीं पा रही है। सभी योजना जो भी जितनी भी निकली है सब मतलब ये पैसे वाले ले जा रहे हैं, तो हमारी पार्टी ये मतलब गरीबों के लिए बनाई गई है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिलवाने के लिए और देश बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, भाई साहब ने सब कुछ बोल दिया।